जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? भाइयों, बिजी होने के कारण मैं कंटिन्यूस वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोग को SSC GD का मेरिट के संबंधित कुछ बातें बोलने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो आखिर तक देखिए। सबसे बात है दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ। अब तो 21 जनवरी तो टाइम दे चुका है SSC ने, भाई इतना टाइम तक इसका मेरिट आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, इस बार मेरिट में क्या असर पड़ सकता है, क्या असर नहीं पड़ सकता है, सबसे बड़ी चीज़ ये सुन लो। देखिए दोस्तों, SSC 2011 में, 2012 में और 2015 में अब तक 3 बार SSC का रिक्रूटमेंट हुआ है, और ये जो है SSC का रिक्रूटमेंट है ये 2018 में हुआ था, ये 4th बार है जो आप लोग का मेरिट आएगा। इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, 2011 में, 2012 में और 2015 में आप लोग SSC मार्क, जो मेरिट मार्क को एनालाइज करोगी तो इसकी मार्क में जो 2018 मार्क में बहुत चेंज आएगा। सबसे पहले बोलना चाहता हूं दोस्तों, 2011 में पहले 50,000 समथिंग कुछ, 47,000 पोस्ट कुछ था, फिर उसका बढ़ोतरी होकर 15,000 पोस्ट बढ़ गया था, जिसके वजह से कम बहुत ही रिटर्न मार्क में गिरावट आ गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वैसे ही मेरे टाइम में 2012 का बाद बोलता हूँ दोस्तों, 2012 में दोस्तों सिर्फ पहले जो वैकेंसी निकला 21,000 पोस्ट निकला, फिर उसको बढ़ोतरी हो गई 43,000, मतलब डबल पोस्ट बढ़ गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी है इसकी टाइम पोस्ट बढ़ोतरी होके भी मार्क ज़्यादा गया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पोस्ट थोड़ा 10-15-20 हज़ार जैसे, क्योंकि 2011 में पोस्ट था 62,000-60,000, तो फिर जब 2012 का वैकेंसी में 21,000 से 40,000 हुआ तो फिर भी मार्क थोड़ा ज़्यादा था जब मेरे टाइम। ठीक है, इसके बाद फिर 2015 में भी भाई सेम 63,000 पोस्ट था, या 60,000-70,000 कुछ पोस्ट था, जिसके वजह से मेरिट भी बहुत कम गया था। ठीक है दोस्तों, और इस बार दोस्तों मेरिट थोड़ा ज़्यादा जाने का किसी लिए टेंशन है दोस्तों, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 20-30 ऐसे कुछ नहीं, बस 1 या 1.5 मार्क 2 मार्क इसकी ज़्यादा जाने का चांस किसी लिए दोस्तों, क्योंकि इस बार पहले रिटर्न हुआ है, जिस वजह से लड़कों ने रिटर्न का तैयारी बहुत शार्प की तरह बहुत तेज़ी से की है। ठीक है, तो मेरे टाइम क्या है, पहले फिजिकल था, हाइट वेट चेस्ट था, जिसके वजह से इतना रिटर्न मार्क लड़कों ने इतना रिटर्न मार्क मतलब नहीं रख पाते थे, क्योंकि अच्छा अच्छा पढ़े लिखे लड़के वो फिजिकल में फेल हो जाते थे, समझ गए कि नहीं दोस्तों, तो जिसके वजह से रिटर्न मार्क ज़्यादा नहीं जाता था। तो फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अभी आज की बात में ये आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ, रिटर्न मार्क तो बढ़ेगा, क्योंकि लगभग जितना 62,000-60,000 पोस्ट के लिए 85,000 लड़के अभी फिट हुए, उनमें से दोस्तों कुछ लड़के भी ज्वाइनिंग भी नहीं करेंगे। कैसे दोस्तों, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, पोस्ट वैकेंट रहेगा, या कोई लड़कों ने मतलब मेडिकल भी अटेंड नहीं किए होंगे, कई लड़कों ने मतलब कई कारणों से अटेंड भी नहीं करेंगे, तो उन पोस्टों का क्या होगा, तो उन पोस्टों का दोस्तों आइधर वो वैकेंसी हो गया अगले साल को रह जाएगा, नहीं तो जो उसके बाद जो थर्ड लिस्ट या सेकंड लिस्ट लड़के उनको दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कई लड़कों का इतना टाइम के अंदर कई जगह स्टेट पुलिस हो कहीं दूसरे जगह में नौकरी लग जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदि चाहे तो डिपार्टमेंट चाहे तो मतलब अभी तो पोस्ट बहुत वैकेंसी है। ठीक है, अभी जो 2021 का जो रिक्रूटमेंट आएगा इसके लिए तो बहुत वैकेंसी है, मतलब पैरामिलिटरी फोर्सेस में, तो फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ डिपार्टमेंट चाहे तो पूरा सारे लड़कों का मेरिट नंबर आ सकता है। फिर भी दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, जिस स्टेटों में ज़्यादा मार्क गया है, सपोज राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, MP, UP, बिहार, इसी स्टेटों में मैं बोलना चाहता हूँ मेरिट बढ़ेगा तो सबसे कम मेरिट बढ़ेगा, आधा मार्क या एक मार्क, क्योंकि आधा मार्क एक मार्क उधर ही बहुत मायना रखेगा, क्योंकि दोस्तों 80 मार्क 82 मार्क के बाद मेरिट कहाँ बढ़ेगा, 10 मार्क थोड़ी ना बढ़ेगा राजस्थान हरियाणा उस साइड में है? तो और एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे थोड़ा मीडियम जो अच्छा हल्का फुल्का जो एरिया में जो बड़ा MP और जैसे क्या बोलते हैं हमारा जो झारखंड आ गया और बंगाल, उस एरिया में बंगाल तो छोड़ो, बंगाल तो कम मार्क रेंज है, वैसे ही 2-4 कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे थोड़ा तीन चार मार्क बढ़ने का चांस है जो मेरिट का। बाकी जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन जैसी स्टेटों में और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में, यहाँ पे तो मार्क बहुत कम जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जाएगा ही नहीं जैसे बोलो, क्योंकि वहाँ पे लड़के बहुत कम कॉम्पिटेंट रहते हैं और लड़के भी फौज को आने नौकरी के लिए भी इतना भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, वो लोग ज़्यादा स्टेट की नौकरी और
वो लोग भी करते हैं भी ना, वो जल्दी छोड़ के भी चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, घबराए मत, क्योंकि आप घबराएंगे भाई क्या है कि नहीं, जिस भाई का चाहे कोई भी स्टेट हो, अपना हिसाब से कम सपोज आपका स्टेट में रिटर्न मार्क कट ऑफ गया है 35 मार्क, तो आप सोचोगे 35 से आप लोग 2-3 मार्क ज़्यादा रखे हो तो फिर अरे कैसे होगा, तो कम से कम 5-6 मार्क ज़्यादा, समझ गए कि नहीं दोस्तों। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, जो भाई ने सपोज किसी स्टेट में 35 गए, 40 गए, 41 गए, कम से कम अपना मार्क से सपोज 50 से ऊपर मार्क है, कम से कम 3 मार्क कट ऑफ ज़्यादा रखने से थोड़ा चांस है। सपोज कहाँ पे 45 गए, 4 मार्क रखने से बहुत चांस है, क्योंकि आप लोग ना पूरा पॉइंट टू पॉइंट जो मार्क होता है वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि दोस्तों समान मार्क होगा ना वो भी थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि कई लड़कों ने दोस्तों एक एक पॉइंट इस बार क्या है पॉइंट पॉइंट मार्क गए, तो पॉइंट पॉइंट में भी बहुत परेशानी आ जाएगा, जिसकी वजह से एसएससी का काम कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसएससी को जल्दी मेरिट निकालने के लिए, जल्दी मेरिट बनवाने के लिए वो पॉइंट पॉइंट मार्क का सिस्टम कर दिया, पर दिक्कत किसको होगा आप लोगों का, क्योंकि एसएससी का काम जल्दी करने के लिए वो करे, क्योंकि जिस भाई ने कम मार्क रखा है उनको थोड़ा टेंशन, क्योंकि उस टाइम क्या है हमारे टाइम सिस्टम क्या था, 40 पॉइंट कुछ नहीं था, 70 तो 70 पॉइंट कुछ नहीं था, इस बार पॉइंट हुआ, जिसके वजह से लड़कों का मतलब छांटने के लिए बहुत इजी रहेगा। तो फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, जो भाइयों ने अपना कट ऑफ से एरिया के हिसाब से, ठीक है, जिस जगह में कम मेरिट गए अभी तक वहाँ पे 1-1.5 मार्क रखे तो थोड़ा आप लोग को टेंशन है, कम से कम 4-5 मार्क ज़्यादा रखे तो उनका 100-100% मैं बोल रहा हूँ कन्फर्म CRPF या BSF आराम से हो जाएगा। यदि 10-15 मार्क 20 मार्क रखे तो CISF तो ऐसे ही हो जाएगा उन लोगों का। और जिन भाइयों का जैसे हरियाणा बोला, UP बोला, हिमाचल, इन जैसी स्टेटों में नॉर्थ साइड जो स्टेटों में 6-7 स्टेटों में जो मार्क ज़्यादा गया है, उन जगह में भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदि आप लोग अपना कट ऑफ से 1-1.5-2 मार्क कुछ रखे हो तो उनका भी कंफर्म हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जिस भाई का समझ गए, जिस भाई का 5-6 मार्क आप लोग का मेरिट कंफर्म हो रहा है, ठीक है, 5 मार्क से ज़्यादा है, चाहे कहीं भी स्टेट हो, 5-6-7 मार्क से ज़्यादा है कि 10 मार्क से ज़्यादा है, उनका तो कन्फर्म होना ही होना है, तो आप लोग ट्रेनिंग की तैयारी करो, ठीक है, दौड़ना करो, फिजिकल करो, क्योंकि दोस्तों आप लोग फिजिकल करना छोड़ दोगे फिर ट्रेनिंग में इतना हार्ड एक्सरसाइज होगा तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिसका भाई कन्फर्म हो रहा है वो लोग अपना बॉडी को फिटनेस रखो और ट्रेनिंग की तैयारी करो, रनिंग वगैरह वही बराबर रखो, नहीं तो ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करने पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है ट्रेनिंग करना, क्योंकि 1 साल तक आप लोग को एक्सरसाइज सब कुछ बहुत कुछ करना है। मैं आप लोग को ट्रेनिंग का बहुत सारे वीडियो डाला हूँ, पिछले बार आप लोग के लिए क्या डाला था, ये अपना सेल्फ डिफेंस भी डाला था, उसके बाद पहले ड्रिल डाला था, उसके बाद रनिंग का वीडियो डालूंगा, क्या कैसा रनिंग होता है और क्या ऑप्टिकल होता है, क्या क्या सीखा जाता है, थोड़ा बहुत मैं आप लोग को ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसलिए बोलना चाहता हूँ दोस्तों, टेंशन मत लीजिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, जिस भाई का चाहे कहीं भी स्टेट हो 5-6 मार्क से ज़्यादा है तो उनका कन्फर्म होता है, ठीक है। और जैसे सपोज मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल स्टेट बोल रहा हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, और क्या बोलते हैं वो अपना बंगाल हो, केरला, कर्नाटक, वहाँ पे भी मार्क तो कम गया है, कट ऑफ भी उतना भी कम जाएगा, 1-1.5-2 मार्क भी जाएगा, ज़्यादा भी नहीं जाएगा। फिर भी मैं बोलना चाहता जैसे झारखंड हो, बिहार हो, ठीक है, यूपी का कुछ जगह, वहाँ भी थोड़ा कट ऑफ जाएगा ज़्यादा, ऐसे तो जा रखा है फिर भी थोड़ा कट ऑफ जाएगा ज़्यादा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं वो आशा करता हूँ सारे भाइयों का नंबर आ जाए, क्योंकि ये मैं बोलना चाहता हूँ 85 लड़के से कई लड़कों ने भी मतलब ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय दोस्तों भर्ती का मतलब भर्ती चलता रहता था, कई लड़कों ने ज्वाइनिंग भी नहीं कर पाते थे, मेडिकल भी अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरा जगह नौकरी लग जाता था, समझ गए कि नहीं। तो इस बार क्या है ना, कोरोना के चलते कहीं बैक पोस्ट नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं निकला, कई लड़कों का दूसरा जगह भी नौकरी नहीं हुआ है, समझ गए कि नहीं। तो जिसके वजह से उन लोगों का कहीं जगह का दूसरा जगह का नौकरी नहीं हुआ है, जिसके वजह से तो उन लोगों का भरोसा सिर्फ SSC GD के ऊपर टिक गया है, जिसके वजह से थोड़ा जो कंटेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ थोड़ा आपको समझ में आया होगा। तो मैं बोलता हूँ सारे भाइयों का कैसे नंबर लग जाए SSC GD में, ये मेरा भगवान के निकट में प्रार्थना है। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगा, कोई भी आप लोग को दिक्कत है, कुछ है, कितना मार्क है और होगा कि नहीं होगा, आप लोग इसमें कमेंट दीजिए, ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट दीजिए, उस कमेंट का मैं आप लोग का आंसर दूंगा कितना परसेंट क्या क्यों। और एक बात बोलना चाहूँ भाई, आप लोग सोचते हो मैं मनमर्जी से बोलता हूँ, मनमर्जी में नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, जो मैं एनालाइज करता हूँ अपना जो जान, हमारा जो
2011 का, 2012 का, 2015 का एसएससी को एनालाइज करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना मार्क एसएससी जीडी में इस बार जा सकता है, ठीक है। आप लोग कमेंट दीजिए, मैं आप लोग का कमेंट दूंगा जिस भाई का कितना मार्क है और क्या सिलेक्शन दिया है। पहले आप लोग पहले अपना ये लिखो इस कमेंट में, आप लोग का कैटेगरी लिखो, ठीक है, आप लोग का स्टेट लिखो, कितना मार्क लिखो, और अपना किस में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती हो क्या नक्सल डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती हो, इस चीज़ पूरा टोटल जानकारी करके लिखो तो मैं आप लोग को परफेक्ट होगा कि नहीं होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। और मार्क भी लिखना, ठीक है, मैं आप लोग बता दूंगा होगा कि नहीं होगा, और नहीं भी होगा ना कितना परसेंट चांस भी होगा मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।